यूपी के कोने कोने से नेताओं की लखनऊ पहुंचने की तैयारी है। हर प्रत्याशी अपनी सीट पर चुनाव प्रचार में जुटा है। और बात अगर नोएडा सीट की करें तो यहां एक बार फिर भाजपा ने पंकज सिंह को मैदान में उतारा है और दूसरी ओर सुनील चौधरी तीसरी बार समाजवादी पार्टी के टिकट से ताल ठोक रहे हैं। दोनों नेताओं की लखनऊ जाने के लिए जमीन पर कैसी तैयारी है, अब आपको यह दिखाते हैं। चुनाव नजदीक है और प्रचार उफान पर। नोएडा से भाजपा विधायक पंकज सिंह, जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे भी हैं, वो लगातार लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। दावा है इस बार फिर जनता भारी मतों से लखनऊ भेजेगी। पंकज जी, क्या वजह है, क्यों आपको जनता 2022 में लखनऊ भेजे? देखिए, जब मैं 2017 में यहां पर चुनाव लड़ने आया था, या 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में पूरे चुनाव लड़ रही थी, तो क्या हालत थी यह सभी को अंदाजा है। और उसके बाद का परिवर्तन और बदलाव भी जनता ने बहुत नज़दीक से देखा है। जो भ्रष्टाचार था, जो गुंडा राज था, अपराध था, अपराधियों को संरक्षण देने वाले थे, उन सब पर काबू करने का काम योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। नोएडा के अंदर प्राधिकरण में भी ट्रांसफर पॉलिसी लाने से लेकर यहाँ नोएडा का जो भी विकास है, चाहे वह हाई राइज में हो, चाहे सेक्टर्स में, कॉलोनी में, गांव में, तो इन सब पर जो विकास हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, वह सबको सामने दिखाई देता है। पंकज सिंह किसी भी दल को चुनौती नहीं मानते, समाजवादी पार्टी के वादों को भी वो योगी सरकार के आगे छोटा बताते हैं। कोई चुनौती नहीं है, ये सब पार्टियां अपने अंतिम अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये 35 और 370 की तरह ही ये सारे दल, ये विपक्ष के जो हैं, ये सब अभी इतिहास के पन्ने में ही 35 और 370 के साथ ये दिखाई देने वाले हैं। पंकज सिंह का भरोसा भले चट्टान जैसा मजबूत हो, लेकिन उनको टक्कर देने के लिए सपा ने जिस सुनील चौधरी को फिर से मैदान में उतारा है, वो इस बार भाजपा का किला तोड़ने की पूरी तैयारी करके बैठे। कहा जाता है कि नोएडा विधानसभा सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी की पारंपरिक सीट है। जब से ये नए परसीमन में सीट बनी है, तब से यहाँ पर बीजेपी का ही विधायक है, तो इस पारंपरिक सीट को कैसे तोड़ेंगे? यही घमंड मुझे तोड़ना है, ये इनका घमंड बोलता है, इसीलिए तो इनका विधायक बीच में आना पसंद नहीं करता, इसलिए इनका विधायक किसानों से नफरत करता है, इसलिए इनका विधायक झुग्गी झोपड़ी वाले से नफरत करता है, कच्ची कमर से नफरत करता है, ये इनके दिमाग में घमंड घुस चुका है। यानी आपको इस बार पूरा भरोसा है कि जनता आप ही को लखनऊ भेजेगी? मुझे मेरे भाइयों पे, मेरे नौजवान पे, मेरी माताओं पे, बहनों पे, मेरे पिताजी पे, मुझे इन पे भरोसा है कि अब की बार ये मेरा वध नहीं होने देंगे, अब की बार ये मुझे विधानसभा बना के भेजेंगे। सुनील चौधरी को सपा ने तीसरी बार इस सीट से टिकट दिया है। दो बार तो उनकी हार हुई थी, लेकिन इस बार उन्हें समाजवादी पार्टी की लहर नजर आती है। क्या कमियां रही दो बार, और इस बार उन कमियों को कैसे दूर करेंगे? मेरा मानना है कि मैंने तो अपनी सबसे बहुत बढ़िया किया, क्योंकि मैं करीब 15 साल से लोगों के बीच में हूँ, लोगों के सुख में, दुख में, उनके साथ धरने में, प्रदर्शन में हमेशा रहा हूँ, आज भी उनके बीच में हूँ। रही बात अब की बार, आप देख रहे हो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की आंधी चल रही है, समाज पार्टी की आंधी चल रही है, हर कोई आदमी बदलाव चाहता है, आदमी विकास चाहता है, आदमी रोजगार चाहता है। जहाँ मैं चल रहा हूँ, आप मेरे लेफ्ट में देख लीजिए, मेट्रो स्टेशन है, ये मेट्रो लाइन चल रही है, ये मेट्रो अखिलेश जी की देन है। और मेरा मानना यह है कि अब की बार पब्लिक मान चुकी है कि किसानों की सरकार चाहिए, नौजवानों की सरकार चाहिए, युवाओं की सरकार चाहिए, मजदूर की सरकार चाहिए। और मेरा मानना है कि इस बार नोएडा की जनता मुझे आशीर्वाद देगी। नोएडा में किसान बड़ी संख्या में है, और सुनील चौधरी को लगता है किसान इस बार समाजवादी पार्टी को ही वोट करेंगे। कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जिनको लेकर के आप जनता के बीच जा रहे हैं? देखो, नोएडा के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा है किसानों का। आपने देखा होगा, आप भी मौजूद थे, 4 महीने किसानों मुद्दा चला, किसान उसमें 103 किसान जेल चले गए, मैं भी उनका जेल रहा था। जेल से आने के बाद वो लोग दिन रात धूप में, बरसात में, ठंड में वो धरने बैठे रहे। उसके बाद उन्होंने अमर अनशन शुरू कर दिया, अमर अनशन में उनकी हालत अस्पताल तक पहुंचने की हो गई, लेकिन उनको कुछ नहीं मिला। विधायक, नोएडा के विधायक ने एक बार भी ये नहीं कहा कि इनकी समस्याओं का समाधान होना चाहिए। अब किसान जाग चुका है,
उसके बाद आपने देखा होगा हमारे यहाँ हजारों लाखों की संख्या में बायर्स हैं जिन्होंने अपनी जमा पूंजी यहाँ बिल्डरों को दे दी है, लोन लेके बिल्डरों को दे दी है, किस्तें दी जा रही है, लेकिन उनकी रजिस्ट्री अब तक नहीं हुई है। इसका मतलब कहना कि उनको ठगा गया है। नोएडा अथॉरिटी और बिल्डर की आपस की सेटिंग को खत्म करूंगा, इनको इनका अधिकार दिलाऊंगा, इनकी रजिस्ट्री कराऊंगा। गौतम बुद्ध नगर की नोएडा विधानसभा सीट दिल्ली से सटी है। यहाँ सपा और भाजपा में तो टक्कर है ही, साथ ही कांग्रेस और बसपा के अलावा आम आदमी पार्टी भी ताल ठोक रही है। ऐसे में इस सीट से लखनऊ कौन जाएगा, ये बहुत रोमांचक होने वाला है। गौतम बुद्ध नगर की नोएडा सीट से बलराम पांडे की रिपोर्ट।